हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बहुत कॉमनली एरर आ जाता है जो कि मोबाइल यूजेबिलिटी का एरर है। तो वो एरर कैसे आता है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। मैंने यहां से अपनी एक पेज का लिंक कॉपी किया। आपने क्या करना है, ये गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, इंडेक्स नहीं हो रही, कुछ पेज इंडेक्स हुए हैं कुछ नहीं हो रहे। तो ब्रेड क्रम्स भी है, मैंने ब्रेड क्रम्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसको कैसे ख़त्म करते हैं। मेरे 5 ब्रेड क्रम्स थे, मैंने 3 ख़त्म कर लिए, 2 रह गए, ये भी मैं बाद में कर लूँगा। तो दोस्तों ये मोबाइल यूज़बिलिटी, ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल यूज़बिलिटी का, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका है जिस आपने पोस्ट वाइज अपनी चेक करना है कि किस पोस्ट पर आपके एरर आ रहे हैं। तो मेरे इस पोस्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ कि ये मेरी पोस्ट के ऊपर क्या एरर आ रहा है। आपने लिंक कॉपी कर लेना है पोस्ट का और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे आपने पेस्ट करके एंटर कर देना है, सर्च करना है। दोस्तों जैसे ये सर्च होगा ये मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये देखें, यू आर एल इज ऑन गूगल बट हैज इशूज। यू आर एल गूगल के ऊपर है लेकिन ये मेरी पोस्ट गूगल के ऊपर पड़ी हुई है लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है। वो इशू क्या है कि ये मोबाइल यूजेबिलिटी इशू आ रहा है, पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत कॉमनली आजकल एरर आने लग गया है वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते वेबसाइट, जो खास तौर पे न्यू और जो न्यू लोग हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उनको ये नहीं पता कि अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर ये एरर होंगे तो ये गूगल में इंडेक्स नहीं होगी, क्रॉल नहीं करेगी, आपके पेज पर व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपने करना क्या है, इस एरर को ख़त्म करना है, मोबाइल यूजबिलिटी एरर को आपने इस एरर पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आपको बताएगा मोबाइल पेज इज़ नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तब क्या हो रहा है, ये आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं है ये नीचे बता रहा है, ये क्रॉल हो चुकी है गूगल में, लेकिन टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। जो क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं मतलब जो लिंक्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके देखेंगे, ये यहाँ पर हमें बताएगा जो हमारे क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं, जो हमने लिंक दिए हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जैसे मेन्यू पेज होता है जो, वो मेन्यू, होम, ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, और जो टेक्स्ट है वो बहुत स्मॉल है। ये देखें दोस्तों, ये मेरा, मैंने ऑलरेडी सबमिट किया था इसलिए मेरा ये एरर चला गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी गूगल के ऊपर इसे सबमिट किया था इस लिंक को। लेकिन यहाँ पर जो एरर आता है वो इसलिए आता है कि ये जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, होम, ब्लॉग्स, टॉप 10, अबाउट अस, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो अब इस एरर को कैसे ख़त्म करना है, सबसे पहले दोस्तों ये मोबाइल फ्रेंडली जो है एक वेब गूगल सर्च कंसोल का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर आपने जाके अपना यूआरएल को पेस्ट करके एंटर करना है। जैसे ही URL पेस्ट करके एंटर करेंगे, ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पूछ रहा है तो हम इसे यहाँ पे वेरीफाई के लिए बता देते हैं। ये एनालाइजिंग करेगा आपकी वेबसाइट को कि क्या ये वाकई मोबाइल फ्रेंडली है ये पोस्ट के नहीं। जैसे ही एनालाइज करेगा मैं आपको बताता हूँ जो एरर इस पे आएंगे। दोस्तों मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से देख लेना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो देखें दोस्तों, पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली वहाँ पर वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो असल वेबसाइट है जो मोबाइल फ्रेंडली को टेस्ट करती है वो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पेज में दोबारा ना टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिक केबल एलिमेंट्स टू क्लोज। मतलब ये जो इंटरनेट, यहाँ पर जो हमारे लिंक्स वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब आपने करना है क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने पहले से ही सारा कुछ किया था। मैं कुछ लिंक्स को कर भी रहा था लेकिन मैं सोचा आप लोगों के साथ अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी बनानी। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है प्लगइन्स में। आपने प्लगइन्स में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये देखें दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर। मैं आप ये जो टाइनी MCE एडवांस्ड, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इंस्टॉल कैसे करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। जस्ट मैं आपको जल्दी से तरीका बताने वाला हूँ, टाइनी MCE, MCE लिखेंगे, टाइनी MCE लिखेंगे या टाइनी भी लिखेंगे, तो दोस्तों ये जो प्लगइन है टाइनी MCE, दोस्तों जैसे ये लिख के सर्च करेंगे ये प्लगइन जो है मैंने इंस्टॉल किया वो आ जाएगा। आपने ये देखे टाइनी MCE एडवांस्ड, आपने इसे एक्टिव कर लेना है। जैसे एक्टिव पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपने चले जाना है इसकी सेटिंग्स में। अब मैं दोबारा प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों इसकी सेटिंग में जाके आपने क्या करना है, इस प्लगइन की जस्ट आपने जाना है इसकी सेटिंग में। ये देखिए एडवांस के साथ सेटिंग्स का नीचे ऑप्शन है, इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ सेटिंग्स ओपन होगी। आप जानते हैं जो लोग पोस्ट, मैं यहाँ पे पोस्ट भी आपको दिखाता हूँ, जो सिंपल पोस्ट होती हैं वहाँ पर अगर हम कोई ऐड न्यू पोस्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता
कि हम अपने जो फॉन्ट का टेक्स्ट है, साइज है, वो चेंज कर सकें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे ले आना है, इसकी ज़रा हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, मैं आपको बताने वाला हूँ जो अहम सेटिंग है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉन्ट साइजेस पे क्लिक करना है ताकि ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाए। ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जैसे ही हमें ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों जैसे ही हमें ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपने यहाँ से उठाना है उस ऑप्शन को। मतलब यहाँ पर ये पहले ऑप्शन, ये मेरा फॉन्ट फैमिली का नीचे था, ऐसे था, तो मैंने इधर से ऐसे फॉन्ट फैमिली को, ये ऑप्शन को, ये फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल को उठाया और ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद होगा कि आपने जस्ट नीचे जाके इसे सेव कर देना है। हम यहाँ से इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। हमने इसकी टाइनी एमसी की सेटिंग कर ली। अब जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा, जो हम ये पोस्ट लिखते हैं इसके ऊपर, मैं आपको यहाँ से जल्दी से दिखा देता हूँ। क्लासिक दोस्तों हम ये पोस्ट लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वेबसाइट पे ऑप्शन नहीं आता, इसलिए हमें प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कुछ भी साइज़, और मैं आपको रेफर करूँगा 28 पिक्सल को यूज़ कीजिए, क्योंकि फिर आपकी जो मोबाइल फ्रेंडली साइट है वो ओके हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो पोस्ट हमारी मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, हम यहाँ पर उस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम उस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। कौन सी पोस्ट थी, फेमस फूड इन लाहौर, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये पोस्ट को ओपन कर लिया। अब आपने करना क्या है, इस फेमस फूड के अंदर जाके और आपने आपने इस सारे को कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने 16 पिक्सल को कन्वर्ट कर देना है 28 पिक्सल में। और उसके बाद दोस्तों ये फॉन्ट्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट में फैमिली वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो पिक्चर्स आपकी बड़ी हैं, आपने उन पिक्चर्स को छोटा कर देना है थोड़ा, क्योंकि ये फिर वो एरर आ जाता है पिक्चर्स का भी, कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो डिस्प्ले से ज़्यादा आउट हो रही हैं। तो यहाँ से आपने पिक्चर्स का जो साइज़ है वो जस्ट, जल्दी से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आपने जितनी भी पिक्चर्स ऐड की हैं उनको साइज़ में छोटा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से एरर ख़त्म हो जाएगा। और वो जो दोस्तों एरर आ रहा था, ये देखें दोस्तों, मैंने अपनी सारी पिक्चर्स का साइज़ छोटा कर लिया इसके यहाँ से हम। और दोस्तों एक और बात जो आपने लगाई है डिस्प्ले के ऊपर, पिक्चर फीचर, पिक्चर हम यहाँ से उसे इनफैक्ट रिप्लेस नहीं करते, यहाँ से मैं उसे रिमूव कर देता हूँ आपको जल्दी से दिखाने के लिए अपडेट। तो दोस्तों जो आपने फीचर में पिक्चर लगानी है उसका आपने याद रखना है जो साइज़ है वो बहुत ही कम हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने इसे अपडेट कर दिया अपडेट के बटन पर क्लिक करके। जैसे ही अपडेट होगी मैं दोबारा से इस लिंक को इसी जगह पर जाके सर्च करूँगा जहाँ पर ये मोबाइल टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा था। तो मैं यहाँ से इसे दोबारा से कंट्रोल वी के साथ सर्च करूँगा इस लिंक को और देखूँगा कि क्या मेरा ये दोबारा एरर आ रहा है या एरर रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जल्दी से ट्रैफिक लाइट्स को वेरीफाई करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, हाँ ये रही ट्रैफिक लाइट्स। तो दोस्तों हम इस जल्दी से, इसने एक बार और दे दिया। तो दोस्तों ये हम इसे वेरीफाई पे क्लिक करके देखेंगे, एनालाइजिंग हो रही है हमारी वही पोस्ट जो हमने अभी की थी, हमने उसका साइज़ तो बड़ा किया है। देखें दोस्तों यहाँ पर पहले आ रहा था पेज इज़ नॉट मोबाइल फ्रेंडली, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, और जो हमारा एरर था वो ख़त्म हो गया। और दोस्तों दूसरा जो अहम एरर है वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो होम, ब्लॉग्स, टॉप 10 मेन्यूज़, इनका भी एरर आता है। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इस मोबाइल, अपने इस स्क्रीन को जो है अपने आईफोन एक्स के मुताबिक कर लेना है, मोबाइल के मुताबिक। अब यहाँ पे देखें दोस्तों होम का ऑप्शन है, इस बटन पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जो है ये मार्जिन की लाइन ऐड नहीं थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन पहले ऐड नहीं थी। आपने इस लिंक पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है MARGIN मार्जिन, ठीक है, एंटर कर देना है। उसके बाद लिखना है 2REM, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो पैडिंग होती है, पैडिंग आपने अगर ये यहाँ पे कम है तो इसे 15 पिक्सल और 25 पिक्सल कर देना। उसके बाद आपने इस पूरे कोड को कॉपी करना है जल्दी से, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना है, कस्टमाइज के ऑप्शन पे। यहाँ पे दोस्तों लास्ट के ऊपर हर वेबसाइट के अंदर एडिशनल CSS का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक एंटर करने के बाद 6 न्यू लाइन पे कंट्रोल वी से कोड को पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने जल्दी से इसे पब्लिश कर देना है। दोस्तों आपने इस कोड को यहाँ से पब्लिश करेंगे, जैसे ही, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये जो आपके जो पैडिंग का ऑप्शन है, जो एरर आ रहा था कि टेक्स्ट टू क्लोज, वो ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर अहम बताने वाली है। अब ये लिंक यहाँ पर हो गया, अब आपने दोबारा जाके इस लिंक को वहाँ पे दोबारा से, मैं इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ, इसी लिंक को दोबारा से आपने गूगल सर्च कंसोल के मेन सर्च ऑप्शन में सर्च करना है और रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ये भी बताएगा URL इज गूगल बट हैज़ इशू। तो इसे आपने टेक्स्ट लाइव के ऊपर क्लिक करना है जल्दी से। यहाँ पे हम टेस्टिंग लाइव कर लेते हैं URL की, क्योंकि हमने इसे अभी चेंज किया। ये देखें दोस्तों मोबाइल यूजेबिलिटी एरर आ रहा था। तो आपने हर अपनी पोस्ट को एक एक बार चेक कर लेना है, और जो न्यू पोस्ट है उसमें आपने साइज, मैंने आपको बता दिया 28 पिक्सल रखने हैं, आपने 26 भी रख सकते हैं। देखें दोस्तों अब ये हमारा हो चुका है URL इज अवेलेबल टू गूगल। तो यहाँ से हम URL कैन बी इंडेक्स्ड, आप URL इंडेक्स कर सकते हैं। यहाँ से हम इंडेक्स की रिक्वेस्ट भेज देते हैं गूगल को। तो जैसे ही इंडेक्स की रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, ये 24 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरी जो पोस्ट है वो गूगल के ऊपर शो होने लग जाएगी। और दोस्तों मुझे आपने बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कि जिस जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और एरर आ रहा है उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों ने मुझे वो भी बताना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ दिए गए बेल के आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन का बटन है ना खासतौर पे, उसके ऊपर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।